अगर मैं ये कहूं कि डिविडेंड से लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए हैं, तो मैं गलत नहीं हूं। हाँ, ये हकीकत है कि लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए हैं डिविडेंड से, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि डिविडेंड होता क्या है, कैसे प्रॉफिट लिया जा सकता है डिविडेंड से, हम कैसे कमा सकते हैं डिविडेंड से। तो सब कुछ यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना ही ज्यादा बड़ा प्रॉफिट और उतना ही ज्यादा बड़ा लॉस हमें देखने को मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ 1,000 रुपए लेकर के आए या 10,000 रुपए या लाख रुपए लेकर के आए हैं, अब हमें इसमें करोड़पति बनना है। पॉसिबल है, मना नहीं कर रहा हूं, 100% पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको उतना ज्यादा समय देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं मैं 1,00,000 रुपए से 10,00,000 रुपए एक साल में बना लूंगा, तो ये हकीकत नहीं है। अगर आप ये सोचकर शेयर मार्केट में आए हैं, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप एक लालच के मूड में आए हैं और इस तरह से ट्रेडिंग करने पर या फिर इस तरह से इन्वेस्टिंग करने पर बहुत ही मुश्किल है, ये कह लीजिए नामुमकिन सी बात है कि आप आपके 1,00,000 रुपए को एक ही साल में 10,00,000 रुपए बना लेंगे। हाँ, अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यकीन मानिए लास्ट एंड फाइनल जो आपके रिजल्ट होंगे थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन आप जब अपना फाइनल पोर्टफोलियो देखेंगे या फिर अपना फाइनल रिजल्ट निकाल करके देखेंगे, तो आपको ये हकीकत में होता हुआ नजर आएगा कि आपने 1,00,000 रुपए को 10,00,000 रुपए में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन इसके लिए आपको समय जरूर देना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं डिविडेंड क्या होता है, कैसे हम डिविडेंड से फायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट छोटी सी एक साइकिल बनाई है, उसको मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर लेकर के समझाना चाहूंगा। तो चलते हैं हम डायरेक्ट स्क्रीन पर। डिविडेंड के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें डिविडेंड नेम का मीनिंग समझना पड़ेगा हिंदी में, और डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है लाभांश। जी हाँ, लाभांश मतलब ये कि लाभ का एक अंश, लाभांश उसे कहा जाता है, मतलब ये कि डिविडेंड को हिंदी में कहा जाता है लाभांश, और लाभांश होता है लाभ का अंश। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए कोई एक कंपनी है जो जिसका नाम है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है और वो चाहती है कि उसको अपना बिजनेस ग्रो करना है, इसलिए उसको कैपिटल ज्यादा चाहिए, इसीलिए वो अपनी कंपनीज के शेयर अनाउंस करती है और वो कहती है लोगों से कि आप हमें अपना पैसा दीजिए, हम आपको हमारे इसके अगेंस्ट में हमारे कंपनीज के शेयर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, मतलब ये कि कुछ पार्टनरशिप हम आपको देने वाले हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर कंपनीज ने एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, हम 1,000 शेयर अनाउंस करें, हालांकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, एज अ एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं ताकि हमें बहुत सरल और आसान लैंग्वेज में समझ में आ सके। मान के चलिए 1,000 कंपनी ने अनाउंस करे है आईपीओ के थ्रू कि हम 1,000 शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डिंग देने के लिए तैयार है, सॉरी 1,000 क्वांटिटी में शेयर होल्डिंग्स देने के लिए तैयार है। अब यहां पर क्या होता है, 1,000 शेयर्स अब कंपनी ने कह दिया कि हम आपको अनाउंस कर रहे हैं, जो भी लेना चाहता है ले सकता है। अब यहां पर क्या हुआ कि अलग अलग तरह के लोग आ गए और सब ने इन्वेस्ट करा इस कंपनी में, एक्स वाई जेड कंपनी में सभी ने अलग अलग तरह से इन्वेस्ट कर दिया है। अब क्या होता है कि ये जो थे, ये जिन्होंने शेयर्स को बाय करा है, ये होगा इस कंपनी के शेयर होल्डर्स। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर अलग अलग तरह के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, यहां पर इसने 100 शेयर लिए हैं, इसने भी 100 लिए हैं एंड इसने भी लिए हैं, अलग अलग और भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अलग अलग शेयर होल्डिंग्स की है, किसी ने 100 भी करी, किसी ने 200 भी करी। अब इसने क्या हुआ कि कंपनीज को इतना जो भी एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट था 1,000 शेयर के अगेंस्ट में, इन शेयर होल्डर्स ने, शेयर बायर्स ने इस कंपनी को पेमेंट कर दिया, मतलब इसके पास कैपिटल आ चुका है, इस एक्स वाई जेड कंपनी को पास अब पैसा आया है, मतलब ये कि ये अब अपना बिजनेस ग्रो कर सकती है, इसके पास कैपिटल आ चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ कि शेयर होल्डर्स ने जो शेयर होल्ड करे है, यहां पर नए आ जाते हैं और नए बायर्स। अब ये जो शेयर होल्डर्स थे, यहां पर इनको दिखने लगा कि जो शेयर की प्राइस थी यहां पर अब ग्रो हो गई। मान के चलिए कि एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए, अब वो बढ़कर के हो चुकी है 20 रुपए। यहां पर नए बायर्स भी आ गए हैं, वो भी खरीदने के लिए तैयार है और वो 20 रुपए देने के लिए भी रेडी है। तो पहले वाले बायर जो होल्डर्स था, उसने क्या करा कि यहां पर 10 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था, उसने अपना 20 रुपए में कन्वर्ट हो जाने पर, मतलब प्रॉफिट का डायरेक्ट डबल हो जाने पर, इसने अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लिया और इसने अपने रोल को खत्म कर लिया। अब यहां पर ये बायर ना रह करके ये सेलर बन चुका है और साथ ही साथ ये अब शेयर होल्डर भी नहीं रहा। अब शेयर होल्डर कौन है, वो शेयर होल्डर ये है। यहां पर प्रॉफिट जो मिला 10 रुपए का, मतलब 20 रुपए में से 10 रुपए का बचे कितने, 10 रुपए, मतलब एक्चुअल जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 10 रुपए का है। वो प्रॉफिट मिलेगा जो शेयर होल्डर था उसे, ना कि वो प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को,
क्योंकि कंपनी को तो उसका पैसा मिल चुका है, उसने शेयर अनाउंस कर लिए है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने, यहाँ पर एक नया शेयर होल्डर्स आ जाता है जो कहता है मैं प्राइस को, सॉरी जो कंपनी के शेयर से 20 रुपए में जो मैंने खरीदे है इसको मैं लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। अब जब ये कंपनी के शेयर्स होल्डर यहां पर लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करके यहां पर बैठे हुए हैं, तब क्या होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस में भी वहां पर एक ग्रोनेस आ जाती है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो इसका अपना रहने ही वाला है। मतलब स्टॉक का अप एंड डाउन मूव होने पर, मतलब अगर स्टॉक अप करेगा तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट रहेगा। मतलब स्टॉक जो 20 रुपए का इसने पर स्टॉक खरीदा है, अगर वो 25 रुपए हो गया तो 5 रुपए इसका प्रॉफिट रहेगा, 30 रुपए हो गया तो 10 रुपए इसका प्रॉफिट रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी यहां पर इसको एक डिविडेंड मिलने के चांस है। अब डिविडेंड कौन प्रोवाइड कराता है? डिविडेंड प्रोवाइड कराती है कंपनी की मैनेजमेंट टीम। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी ने प्रॉफिट करा है, मतलब इसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, यहां से स्टार्टिंग हुई थी जो कहानी, जो यहां तक पहुंच चुकी है, इस बंदे तक ये कहानी पहुंच चुकी है। अब इसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था कंपनी ने, फाइनली उससे ग्रो भी करा और उसने अपना एक अच्छा प्रॉफिट भी निकाला है, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालने के बाद क्या हुआ कि इस कंपनी ने क्या प्लान करा कि इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो पहले ही अपने बिजनेस को और ग्रो करने में उस प्रॉफिट को लगा दे, अगर कंपनी ग्रो करने में नहीं लगाना चाहती है उस पैसे को, उस प्रॉफिट को, तो या फिर वो ये कर सकती है, जो कंपनी मैनेजमेंट टीम होती है वो ये डिसाइड कर सकती है कि इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जिन्होंने अभी शेयर्स को होल्ड कर रखा है वो उनके साथ शेयर कर ले, मतलब लाभ का कुछ प्रॉफिट, लाभ का कुछ अंश वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर सकती है जिन्होंने अभी उनकी शेयर्स की होल्डिंग ले रखी है, तो उसी को कहा जाता है डिविडेंड। आई होप आपको डिविडेंड किसे कहते हैं इसका पूरी तरह से पता चल गया होगा। आई होप आपने समझ तो लिया है कि डिविडेंड क्या होता है। अब सवाल यह आता है कि हमें कैसे पता लगे कि कौन से डिविडेंड स्टॉक से किसमें हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको गूगल पर मिल जाने वाली है। जी हाँ, इसकी लिस्टिंग में चेंजेस होते रहते हैं, आपको सिर्फ लिख करके सर्च करना है गूगल पर टॉप 10 डिविडेंड बेस्ट स्टॉक्स। अगर आप ये लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अभी तक में, आज की तारीख तक में, एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप भी डिविडेंड से एक अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर दीजिए। लेकिन अगर आप एज अ इन्वेस्टर प्लान कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छे स्टॉक्स की क्वालिटी के साथ साथ डिविडेंड में भी, जो अच्छा एक रिटर्न देती है ना, जो प्रॉफिट में कंटिन्यूसली कंपनीज जा रही है वही डिविडेंड प्रोवाइड कराएगी बेसिकली, तो ऐसी लिस्ट आपको गूगल पर मिल जाने वाली है। तो फाइनली आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिविडेंड क्या होता है, बहुत ही सरल आसान लैंग्वेज में समझा है हमने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो बस पसंद आने पर एक ही हमारी रिक्वेस्ट होती है, तो लाइक ठोक दो यार यहाँ पर, और सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर ये भी कर ही दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए घंटे को। तो मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर के आता रहूंगा, और मिलते हैं नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए अलविदा।